राम राम किसान भाइयों। तो आज मैं आया हूँ सीताराम जी के मकान पर, और ये काफी बढ़िया मकान बना रखा है इन्होंने और काफी पुराना भी है, तो मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा सा। तो देख सकते हैं भाइयों, ये कुछ कमरे हुआ करते थे पहले, बना जाते थे जो, और देख सकते हैं ये यहाँ पे बैठे हैं। राम राम जी। राम जी, आपका नाम बताइए, आपका शुभ नाम जी? अशोक। अशोक, और आपके मतलब पिताजी का नाम जी? सीताराम। सीताराम। तो जी ये मकान है, ये मकान आपने मतलब कितना साल पुराना होगा तकरीबन अंदाजे से? 22-23 साल पुराना। तो किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको कमरे इसके। तो पशु वगैरह कितनी है जी आपके? 6-7 पशु है। अच्छा। तो देखो किसान भाइयों, इस टाइप के कमरे बनाए जाते थे पहले, तो देख लो, और आज भी बिल्कुल बढ़िया ही है। तो उधर इनके पशु वगैरह हो गए, और देख लो ये कमरा है घेरा, तो बहुत ही बढ़िया कमरे हैं पुराने, पहले बने हुए कभी। तो देख सकते हैं ये माँ जी हैं। अच्छे लद्दी है। राम राम माँ जी। तो माँ जी आपका क्या नाम है? बहुत ही। तो कौन से गांव के हो माँ जी आप? अच्छा वो भी कुछ जिले बिजनौर के जिले की है। तो अच्छा, बिजनौर जिले की है। अच्छा, देखो किसान भाई हो, बिजनौर जिले की जी, और इनका घर दिखा दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे इनका घेर है ये छोटा सा। तो देखो किसान भाई, ये छोटा सा घेर है इनका, ये भैंस वगैरह है, और एक ट्रैक्टर भी है इनका, महिंद्रा 265 DI, वो खड़ा सामने, और एक इन्होंने कुत्तिया भी पाल रखी बहुत प्यारी। क्या नाम है इसका? जिमी। आजा जिमी। बस देखो भाइयों, बहुत ही प्यारी है। और इधर देख सकते हैं कड़ा भगाने के लिए पेड़ा भी है इनके घर में। हेलो जिमी, बैठ जा। तो देख सकते हैं इनका मकान है। तो किसान भाइयों, ये कोमिंदर का छोटा भाई है, तो ये कबूतर पाल रखे भैया ने, बहुत ही सुंदर सुंदर कबूतर है। तो भाई ये मतलब उड़ते भी होगे बढ़िया? हाँ जी बढ़िया उड़ता है। तो जैसे एक कबूतर कितने का होता होगा? यो इनमें जी 1000 का भी है, 500 का भी है, 200 का भी है, तो 3000 तक का कबूतर। 1000 का कौन सा? 1000 के ये कबूतर है। अच्छा, जो रेड कलर की जो है? नहीं, वो जो उड़ता गई। अच्छा, देखो किसान भाई कबूतर बहुत सुंदर सुंदर कबूतर है, और भीतर भी है। तो थोड़ा दिखा सकता है भीतर से खोल के, उड़ तो ना जाए? इसमें ही दिखा दूँ। तो किसान भाइयों, मैं दिखा दूँ कबूतर आपको, ये भैया ने पाल रखे, शौक है भैया को। देख लो भाई, पकड़ भी सकूँ ना? हाँ क्यों नहीं। देख लो ये कबूतर है, देखो किसान भाइयों, एक ही बैठा, ये तो बहुत जंगली जैसा है। हाँ देखो किसान भाइयों, जंगली नस्ल है बिल्कुल, और ये है बिल्कुल देसी बिल्कुल। इधर भी है, इधर भी दिखाना, इनके भी है, इसमें भी है। अच्छा, तो देखो किसान भाई, कबूतर बहुत प्यारे प्यारे कबूतर है। अच्छे किया, अंडा दे दिया भाई इन्हें। तो देखो किसान भाई, अंडे दिया इन्हें। अच्छा, इसमें से कबूतर निकलेगा? देखो भाई, भाई को शौक है बहुत ज़्यादा, बहुत शौक होते हैं अपने अपने। अरे इसमें भी है ना, इसके अंदर है क्या? भाग ना जाए बस ये। ये जोड़ा 6000 रुपये का जी। 6000 का? पंजाब से लेकर आया था। देखो किसान भाइयों, जोड़ा 6000 का बताया भैया ने। देखो कैसे देख रहा है, बिल्कुल चोंच मारेगा मेरा बिल्कुल अभी खींच के। ये देख रहा है कि क्या हो रहा है मामला। देखो किसान भाइयों, कितना प्यारा कबूतर है, ये उड़ता भी बढ़िया होगा भैया 6000 का। तो इसके बच्चे बहुत उड़े हैं। बहुत उड़े? सान लोड है थोड़े सा। देखो किसान भाइयों, 6000 का बता रहा भैया, थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, चलो से बंद कर दे। तो देखो भैया को शौक है, अपने अपने शौक होते हैं। तो भैया ये तकरीबन ये सारे कबूतर मिला के कितने के होंगे? भैया ये तकरीबन 20-25 हज़ार के लगभग है सारे कबूतर। 20-25 हज़ार के सारे? देखो किसान भाई, 20-25 हज़ार के बता रहे भैया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। और किसान भाई, वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। राम राम जी, नमस्कार जी।